प्रखर के प्रवचन और श्वेता गंगवार की कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा। प्रखर ने श्वेता पर 2 करोड़ का केस कर दिया है। ये कंट्रोवर्सी अब कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये यूट्यूब की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होने जा रही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी यूट्यूबर ने दूसरे यूट्यूबर पर कोई 2 करोड़ का केस कर दिया हो। इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसके लिए आपको यूट्यूब पर तमाम वीडियो मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि हु इज राइट, आखिर इस कंट्रोवर्सी में सही कौन है, संदीप माहेश्वरी और श्वेता गंगवार या फिर प्रखर के प्रवचन। पहले श्वेता गंगवार और संदीप माहेश्वरी के बीच में भी कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग थी, इसको उन्होंने आपस में तो सुलझा लिया है, लेकिन प्रखर के प्रवचन से उनका विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। श्वेता के सपोर्ट में संदीप माहेश्वरी भी आए हैं। पीपॉय महात्मा जी टेक्निकल और ना जाने कितने ही यूट्यूबर्स ने इस कंट्रोवर्सी पर वीडियो बनाए और श्वेता गंगवार के सपोर्ट में आने की बात की। संदीप माहेश्वरी ने भी ये लोगों से अपील की कि वो श्वेता गंगवार के सपोर्ट में आए और उन्होंने ये तक कह दिया कि वे श्वेता गंगवार के लिए अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। अगर श्वेता गंगवार ये केस हार जाते हैं तो 2 करोड़ रुपए संदीप माहेश्वरी देंगे। इसके सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। हैशटैग सेफ श्वेता गंगवार पर करीब 3,500 वीडियो अब तक बनाई जा चुकी हैं, लेकिन प्रखर के सपोर्ट में शायद ही कोई हो जो प्रखर का सपोर्ट कर रहा हो। आखिर इसका कारण क्या है? वैसे कुछ लोग प्रखर को भी सही बता रहे हैं, लेकिन उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। अब तक कई सारी YouTube पर कंट्रोवर्सीज आई जिनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को वीडियोज के द्वारा सुलझा लिया गया, किसी ने भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, लेकिन प्रखर ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती रहती है, न जाने कितने ही बड़े क्रिएटर्स पर रोस्ट वीडियो बनते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोग रोस्ट क्रिएटर्स पर लीगल केस दायर कर दें। बट प्रखर ने ऐसा किया और इसी वजह से उनको इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। लेकिन कल प्रखर ने भी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिस पर प्रखर ने कुछ पॉइंट्स पर बात की। बहुत लोगों का कहना है कि प्रखर ने अपने इंसल्ट के कारण ये केस दायर किया है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रखर काफी लालची है और इसीलिए उसने 2 करोड़ का केस श्वेता गंगवार पर कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अपने इंसल्ट के कारण कोई केस नहीं किया है, यहाँ पर ऐसी कई बातें हैं जो सिर्फ वीडियो बनाकर नहीं सुलझाई जा सकती, और मुझ पर ऐसे कई एलिगेशंस लगाए गए हैं जिसके कारण मुझे ये केस करना पड़ा। मैं कोर्ट इसलिए नहीं गया कि मेरी इंसल्ट हुई, बल्कि इन एलिगेशन से लड़ने के लिए मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा। माई नेम हैज बीन ड्रैग्ड फॉर अ क्रिमिनल ओवर 4 मंथ्स विद ओवर 10 मिलियन व्यूज। बट एक बार फिर फॉर ऑल क्रिएटर्स इन्वॉल्व, अगर आप किसी के बालों को झाड़ू बोल रहे हो या आप बोल रहे हो इसकी गाड़ियां भाड़े की हैं, इस पर आप कोई केस नहीं कर सकता। वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बखूबी दिखा चुका हूँ खुद को लीगली कैसे डिफेंड करते हैं। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि फलाने टीम के लक्ष्य ने किसी में मार लगा दी या इस वाले आदमी ने एल्विश ने इंडिया के डिफेंस लॉ तोड़ दिए, तो आप कल कोर्ट जरूर जा भी सकते हो और जाना भी चाहिए। The difference is between an insult and an allegation. हम कोर्ट allegation fight करने गए हैं, insult। प्रखर ने ये भी कहा कि पहली तारीख पर कोई भी श्वेता की तरफ से कोर्ट में नहीं गया, उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे वे अपने आप को सही साबित कर सकें। उनको कोई एविडेंस लेकर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका भी कोई बड़ा कारण होना चाहिए। और ये भी सच है कि रोस्ट आदि एक सामान्य बात है यूट्यूब कम्युनिटी में, लेकिन प्रखर पर ब्लैकमेल करने तक का इल्जाम लगाया गया है। प्रखर का कहना है कि और भी ऐसी कई चीजें हैं जिसके कारण उनको कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर वीडियो बनाई उसका कहना है कि इस सब के बाद भी प्रखर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस सब को बातों द्वारा सुलझाया जा सकता था। यहाँ तक कि संदीप माहेश्वरी ने सबके सामने आकर माफी भी मांगी, और श्वेता गंगवार अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ये केस लड़ सके, और इसीलिए संदीप माहेश्वरी ने ये अपील की है कि सभी लोग श्वेता गंगवार का सपोर्ट करें। अगर आप प्रखर के वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी पर अभी अपना फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकता कौन सही है और कौन गलत,
लेकिन आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपको कौन सही लगता है और कौन गलत। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।